हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपन किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। ये बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है, आप एक बार इसे घर पर जरूर ट्राई करें। नान खटाई बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, 1 कप बेसन, 1/2 कप रवा सूजी, 1 कप पिसी हुई चीनी। ध्यान रहे हमें ये सारा सामान है वो छान कर लेना है, जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। 1 पिंच नमक, नमक हम ज़रूर ऐड करें, ये हमारी जो स्वीटनेस है उसको बढ़ाता है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप घी। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप डालडा भी यूज़ कर सकते हो, बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी से टेस्ट अच्छा आता है। घी को हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथ से गूंथ लेंगे। हम इसे मिक्स करते हुए अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम अपना बचा हुआ घी भी इसमें डालेंगे। अगर आप इलायची पसंद करते हैं तो इसमें पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है, सिंपल एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर आपको लगे कि आपका जो डो है वो थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें 1 से 2 चम्मच घी या पानी या फिर दूध आप ऐड कर सकते हो। और हल्के हाथ से हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमारा डो तैयार हो चुका है, अब हम इसके इक्वल साइज के बॉल्स बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसी तरह अपने सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। इनमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बीच से कट करूँगी और इसके बीच में थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो और पिस्ता की जगह आप बादाम भी लगा सकते हो। पिस्ता लगाने के बाद इसको हल्का सा प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो आपके पिस्ता है या फिर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं वो निकले ना। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक ट्रे यूज़ की हुई है, आप इसकी जगह एल्युमिनियम वाला ट्रे भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसे बनाते समय हम माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेंगे। मेरा माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है और हमारे जो नान खटाई है वो भी बेक होने के लिए रेडी है। अब हम इन्हें माइक्रोवेव में रखेंगे। और अपने ओवन को हम कॉन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री टेम्परेचर सेट करके 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। आप इसे 10 मिनट के बाद एक बार जरूर चेक कर लें कि हमारे नान खटाई हैं वो बेक हुए हैं या नहीं। अगर आपके नान खटाई बेक नहीं हुए हैं तो इन्हें फिर से बेक करें। अब हमारे नान खटाई बेक होकर रेडी हो गए हैं, इन्हें हम बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो नान खटाई का कलर है वो ठंडा होने के बाद हल्का सा डार्क हो जाता है। इन्हें हम ठंडा होने के लिए साइड से रखेंगे। अब हम बचे हुए नान खटाई बनाएंगे ढोकला वाले प्लेट में। इसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस करें और एक ग्रिल वाली रैक लेंगे, उसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे, उसमें बचे हुए नान खटाई रखेंगे। नान खटाई को हमें थोड़े थोड़े से दूर ही रखना है, जिससे कि आपस में चिपके नहीं। ध्यान रहे आप माइक्रोवेव में जब भी दूसरे राउंड में नान खटाई बेक करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। अब हम अपने नान खटाई को माइक्रोवेव में रखेंगे और इसे भी कॉन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री टेम्परेचर सेट करके
10 से 12 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 12 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी नान खटाई रेडी हो चुकी है। इसे भी हम बाहर निकाल कर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो नान खटाई है वो कितनी क्रंची बनी है। आप इस नान खटाई को अच्छे से ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में 20 से 25 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप ये नान खटाई इडली स्टैंड या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताऊंगी कि हम कैसे नान खटाई को कढ़ाई या इडली स्टैंड में बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।